बीते शनिवार की रात हरिद्वार जनपद के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटनाओं को लेकर अब पुलिस सख्त कार्रवाई के मूड पर है। आपको बता दें कि पुलिस दंगे के आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए यूपी पुलिस की तरह बुलडोजर लेकर गांव में पहुंची। जानकारी के अनुसार हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में दंगाइयों ने पथराव किया, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में 12 नामजद और 40 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। पत्थरबाजी वालों के गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही एसपी देहात और सीओ ने गांव में डेरा डाला हुआ है। एसओ ओपीडी भट्ट ने बताया कि बवाल में 12 नामजद और 40 अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, साथ ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। भगवानपुर क्षेत्र के डांडा जलालपुर गाँव में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर एक समुदाय के लोगों के छात्रों ने पथराव कर दिया, जिससे शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। पथराव में एक जन से अधिक लोग घायल होने की सूचना मिलते ही आसपास के गांव के लोग भी मौके पर जुट गए, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ है।